Hello friends, you are welcome back in BHT Infotech. In this video, I explain you how to create GST tags and how it works for items. आप GST कैसे आप create करोगे और ये items पर कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर में लॉग इन कर लेते हैं। Now हम मास्टर मॉड्यूल के अंदर जाएंगे GST में। तो यहाँ पे देखो आपको दोस्तों तीन चीजें दिख रही है, HSN, tax और rate। तो सबसे पहले हम HSN में जाते हैं। दोस्तों यहाँ से हम HSN क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम HSN नेम और HSN कोड यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। HSN 5 मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, HSN नेम और HSN कोड है इसका 1, ठीक है, और ये एक्टिव है। नाउ अब मैं जाता हूँ टैक्स पे। यहाँ पे मैं टैक्स पे मैं क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पर आता है टैक्स नेम और टैक्स कोड। तो देखो यहाँ पे जो है हमारे टैक्स क्या क्या है, CGST है, SGST है और IGST है, VAT और SAS। तो जो ये हमारे जितने भी टैक्स है वो हम यहाँ पे GST के अंदर, टैक्स मास्टर के अंदर से हम बनाएंगे। तो नाउ उसके बाद अब दोस्तों आता है, हमने टैक्स तो बना दिया, हमने HSN भी डिफाइन कर दिया, अब हम उसकी मैपिंग कैसे करेंगे। हमें क्या पता है कि HSN 5 है तो उसपे कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, HSN 9 है तो उसपे कितना परसेंट टैक्स लगेगा, VAT है तो VAT पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा। तो ये चीज हम डिफाइन करेंगे दोस्तों रेट मास्टर से। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो हम GST टैक्स के अंदर जाएंगे रेट में और यहाँ पे दोस्तों दिख रहा है आपको HSN कोड, टैक्स कोड और यहाँ पे टैक्स HSN यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, टैक्स कोड और यहाँ पे टैक्स सिलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पे हम मैं एडिट में जाता हूँ। एडिट में जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे HSN 5 है, इस पर मैंने CGST लिया है 2.5%। और ऐसे यहाँ पे मैं यहाँ पे SGST दे सकता हूँ या फिर कोई मेरा VAT है तो मैं यहाँ पे VAT दे सकता हूँ। तो दोस्तों आपने देख लिया यहाँ पे कि कैसे मैंने GST क्रिएट किया और कैसे मैंने जो है टैक्स क्रिएट किया और कैसे मैंने उनको उनके साथ जो है मैंने रेट की मैपिंग करी कि HSN 5 है तो इसमें मेरा 5% लगेगा, 9 है तो 9% लगेगा, 18 है तो 18% लगेगा। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इसे कैसे यूज करना है। आप मास्टर्स में जाते हो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, जब आप आइटम बनाते हो तो दोस्तों देखो इसका यूज यहाँ पर होता है। अप्लाई GST आपको दिख रहा है फॉर रेस्टोरेंट के लिए, यहाँ पर हम अप्लाई GST सिलेक्ट करते हैं और इस ड्रॉप डाउन से देखो दोस्तों हम यहाँ पे HSN सिलेक्ट कर देते हैं। अभी जब मैं यहाँ पे HSN 12 सिलेक्ट करता हूँ, HSN 12 जिस आइटम पे मैप होता है तो उस आइटम पे मेरा 12% टैक्स लग के आता है। और अगर HSN यहाँ पे मेरा 5 सिलेक्ट होगा तो उस आइटम पे मेरा जो है 5% टैक्स लग के आएगा। और जैसे कि यहाँ पे मेरा लिक्विड है तो लिक्विड में क्या होगा, यहाँ पे मैं वेट 20% सिलेक्ट करता हूँ तो लिक्विड में मेरा जो टैक्स आता है वो वेट 20% लग के आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि जो GST है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं इस बिस्ट्रो वाले क्लब सॉफ्टवेयर में और कैसे जो हमारा टैक्स है उसे हम कैसे आइटम्स के साथ मैप करते हैं और कैसे वो काम करता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। Thanks for watching.